Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about moving bed catalytic cracking. So let's start with what is mean by catalytic cracking. So catalytic cracking kya hoti hai? Catalytic cracking means it's break complex hydrocarbon compound into the simple molecule. जो भी कुछ complex hydrocarbon के molecule होते हैं वो simple molecule में convert करते हैं in the order to increase quality and decrease amount of residuals. In this process, we convert heavy hydrocarbon feedstock into the lighter fraction. इसमें जो भी कुछ complex hydrocarbon होता है या फिर heavy hydrocarbon होता है उसको हम lighter fraction में या फिर हम कह सकते हैं कि simple molecule में convert करते हैं like kerosene, gasoline, then LPG, heating oil, petrochemical feedstock. And this catalyst used for the cracking zeolite, aluminium hydrosilicate, treated bentoid clay, fluorite earth bauxite, silica aluminium. And वो जो भी कुछ catalyst होते हैं वो powder form में, pellet form में और dip form में available होते हैं. These are the three basic function required for the catalytic cracking process. First one, reaction. So what is mean by reaction? जो भी कुछ feedstock होता है वो firstly react with the catalyst and then crack into the different hydrocarbons. Firstly जो feedstock होता है वो catalyst के साथ react करता है और उसके बाद different hydrocarbon में उसको crack करता है. Then regeneration. रिजनरेशन मतलब क्या होता है? प्रोसेस के दरमियान जो भी कुछ कैटलिस्ट है वो डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं, उसको अगेन हम एक्टिवेटेड करते हैं, दैट मीन्स रिजनरेशन. देन फ्रैक्शंस. फ्रैक्शन में क्या होता है? जो भी क्रैक हाइड्रोकार्बन की जिस स्टीम हो जाती है वो हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं. उसके जो वेरियस प्रोडक्ट है उसको क्या करते हैं? सेपरेट आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट. So these are the types of catalytic cracking. Fluid catalytic cracking, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बनाया है. Second, moving bed catalytic cracking. And third one, thermophore catalytic cracking. और आज हम देखने वाले हैं moving bed catalytic cracking. So this is the flow sheet of moving bed catalytic cracking. Let's start. Firstly, जो भी कुछ फीड ऑयल है हम फर्नेंस में पास करते हैं. फर्नेंस में क्या होता है? जो कुछ ऑयल है फीड ऑयल वो प्रीहीटेड होता है ऑयल. और यहाँ से यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फर्स्ट रिएक्टर है और ये सेकंड रिएक्टर है. फर्स्ट रिएक्टर से जो भी कुछ रीजनरेटेड कैटलिस्ट आ रहा है, यहाँ पर एक रीजनरेटेड कैटलिस्ट रहता है, वो जो कुछ रीजनरेटेड कैटलिस्ट है हम यहाँ से पास करते हैं. तो यहाँ से हमारा ऑयल और कैटलिस्ट इट पास थ्रू सेकंड रिएक्टर. ओके. एंड सेकंड रिएक्टर यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है 500 डिग्री सेल्सियस. विथ प्रेजेंस ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर रिएक्शन टेक प्लेस होती है. और यहाँ पर रिएक्शन टेक प्लेस होने के बाद क्रैक वेपर सेपरेट आउट होते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस वन इज साइक्लोन सेपरेटर, ऑल्सो दिस वन इज साइक्लोन सेपरेटर. तो साइक्लोन सेपरेटर क्या करता है? जो भी कुछ क्रैक वेपर है देन इट पास थ्रू फ्रैक्शनेटेड कॉलम. ओके. और यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद स्पेंट कैटलिस्ट जनरेट हो जाते हैं. स्पेंट कैटलिस्ट मतलब क्या होता है? जो भी कुछ डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं. देन दिस स्पेंट कैटलिस्ट इज पास थ्रू दिस पाइप. ओके. और फिर जो कुछ स्पेंट कैटलिस्ट है यहाँ पर हम क्या करते हैं? ब्लोअर से एयर पास करते हैं. फिर एयर प्लस स्पेंट कैटलिस्ट इज पास थ्रू दिस फर्स्ट रिएक्टर. ओके. दिस फर्स्ट रिएक्टर विथ प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर क्या होता है? जो भी कुछ डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट होते हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं. उसको हम करते हैं रीजनरेटेड कैटलिस्ट. तो यहाँ से रीजनरेटेड कैटलिस्ट यहाँ से फीड को जाता है. ओके. और यहाँ से जो कुछ भी फ्यूल गैसेस है साइक्लोन सेपरेटर उसको रिमूव कर देता है. देन यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो क्रैक्ड वेपर है क्रैक वेपर इज पास थ्रू दिस वन फ्रैक्शनेटेड कॉलम. यहाँ पर वो क्या करता है? लाइट फ्रैक्शंस
एंड द हेवी ऑइल सेपरेट आउट करता है. हेवी ऑइल ऑब्टेंड एट द बॉटम ऑफ द कॉलम एंड द लाइट फ्रैक्शन इज पास थ्रू दिस वन इज कूलर. ओके, इस कूलर में क्या होता है, इस कूलर में क्या होता है कि गैसेस रिमूव हो जाते हैं और गैसोलिन और गैसेस का जो कॉम्बिनेशन है अगेन पास थ्रू स्टेबिलाइजर. दिस वन इज स्टेबिलाइजर एंड द स्टेबिलाइजर रिमूव गैसेस एट द टॉप ऑफ द कॉलम एंड वी गेट गैसोलिन एट द बॉटम ऑफ द कॉलम. ओके, तो फर्स्टली ये जो फ्लो शीट है इज सिमिलर टू फ्लूड कैटालिटिक रिएक्टर. सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर मूविंग बेड बोला हुआ है. मूविंग बेड क्यों बोला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी कुछ हमारा कैटलिस्ट है वो कैटलिस्ट पाउडर फॉर्म में होता है, फाइन पाउडर फॉर्म में होता है, तो फिर वो क्या होता है, फ्लो होता है. एक रिएक्टर से दूसरे रिएक्टर में ईजी फ्लो हो जाता है, तो इसलिए उसे बोलते हैं मूविंग बेड कैटालिटिक क्रैकिंग. दिस इज द प्रोसीजर ऑफ मूविंग बेड कैटालिटिक क्रैकिंग. आई होप आपको समझ में आ गई होगी. एंड देन थैंक यू. आई होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.